बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत ही जल्दी बनने वाली है। इसके लिए हमें चाहिए 6 अदद आलू बड़े, जिसे हम काट लेंगे इस तरह स्लाइस में, 3 अदद टमाटर जिनको हम इस तरह काट लेंगे। उसके अलावा हमें स्पाइस में चाहिए हो गए 6 अददी गोल लाल मिर्च, जिसको 2 टुकड़ों में हम कर लेंगे। मैंने हाफ हाफ कर लिया है। 1 टेबलस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून हल्दी। तो चलिए आइए हम तैयारी करते हैं। ये मैंने 1 कप तेल ले लिया है। तेल लेके इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी गोल मिर्च, जो के 2 टुकड़ों में कर दी थी हमने, और ज़ीरा। ये दोनों चीज़ें हम डाल के इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। ये कलर आ जाएगा जब ये ज़ीरा भुनने लगेगा, थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा बघार की तरह से, और मिर्चें का कलर तब्दील हो जाएगा। देखें, ये लाल होना शुरू हो गई हैं मिर्चें। थोड़ा सा इसको और कर लें। अब इसमें खुशबू आने लगेगी ज़ीरे की और मिर्चों की, और कलर बदलने लगेगा। इस तरह से ये हो गई है हमारे ज़ीरा और मिर्चें। ये इस तरह लाल मिर्चें कर लेंगे, ज़ीरा भी हो गया एक हमारा, खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने आलू तमाम, जो हमने काटे थे गोल 6 अदद आलू। आलूओं को ज़्यादा ना मोटा काटना है ना पतला काटना है, दरमियाने साइज़ में इस तरह से काट लें और इसको अच्छी तरह चला लें। थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर और अपने तमाम स्पाइसेस जो हमने निकाले थे, नमक, कुटी मिर्च और हल्दी, ये सब हम डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे आलूओं को। 1-2 मिनट फ्राई करेंगे आलूओं को और तमाम मसाले को, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। टमाटर थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दें। इस तरह से हम इसको चलाएंगे। ये देख, ये हमने मिला लिया अच्छी तरह से, भून लिया इसको। भूनने के बाद ये इस तरह टमाटरों ने पानी थोड़ा छोड़ा है और ये तमाम हमारे मसाले मिक्स हो गए। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी, बस इतना ही, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको चलाएंगे। थोड़ा सा और डाल रही हूँ मैं, और इसके बाद अब इसको अच्छी तरह से चलाएं। जब ये पकने लगे तो बस इसको ढक दें गलने के लिए। 5 से 10 मिनट तक इसको हम पकने देंगे। जब ये पक जाएगा, 10 मिनट हो गए हैं, अब मैंने इसको खोला है। 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे आलूओं को। ये देखें इस तरह से, अब हम इसको देखेंगे ये कि हमारे आलू गले या नहीं, इसको चेक करके देखेंगे। ये हमारे आलू अच्छी तरह से गल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ये देख, गल गए हैं बिल्कुल सही से। बस इतना ही रहना चाहिए। कुछ लोग इस तरह से खाते हैं, लेकिन हम ज़रा सलसला सा मुझे पसंद है, तो मैं थोड़ा इसमें सलसला करूँगी और पानी डाल के थोड़ा सा इसको पानी डालूँगी। अगर आपको पसंद है इस तरह से, तो आप इस तरह भी खा सकते हैं इसको।
और अगर आपको शोर सलसला पसंद है, क्योंकि ये रोटी से थोड़ा सा सलसला अच्छा लगता है, सूखा ज़रा खाने में मुझे परेशानी होती है, मुश्किल होती है, तो मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको सलसला सा करूँगी। तकरीबन इसमें नमक भी चेक कर लें इस जगह पर आके कि आपका नमक सही है। मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, मुझे थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि हम लोग ज़रा थोड़ा नमक ज़्यादा ही खाते हैं। और आधा गिलास जितना पानी इसमें और डाल दें, मैंने आधा गिलास पानी डाला है। ये थोड़ा सा थोड़ा सलसला हो गया, ये देखें इस तरह से ये हो गया सलसला। अब इसको जो है पानी डाल के थोड़ी देर पकने देंगे, 1 मिनट, तकरीबन 1 मिनट। इसको ये ऐसे मैंने कर लिया है, पानी डाल के थोड़ा सलसला, 1 मिनट तक इसको ढक देंगे। अब 1 मिनट हो गया, मैं खोल रही हूँ। 1 मिनट के बाद देखें इस तरह ये पानी जो हमने डाला था ये पकने लग गया है, और थोड़ा सा सलसला हो गए आलू में, शोरबा सा आ गया ये हल्का सा बिल्कुल। आप चाहें अगर और सलसला करना चाहते हैं, पतला थोड़ा और करना चाहते हैं, तो आप इसमें और पानी भी डाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं, ये मैंने निकाल लिया है। अब आप देख लें, ये आप बनाएं अच्छी तरह से खाएं, इसको रोटी पराठे सबके साथ खा सकते हैं झटपट। और बस मुझे बताएं।